Hello guys, welcome to this video. In this video, I'm talking about the chapter number 5 of 11th NCRT, Morphology of Flowering Plants. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज हम इस वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फ्रिक्वेंटली आपसे नीट में पूछा जाता है. उसके बाद मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझाऊंगी. तो इस वीडियो को अगर आपको पूरा देखना है और आपको चाहिए कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जान सको और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है अपनी पूरे साल में, तो इसके लिए अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है आपके पास उसको उठाकर रख लो और एक हाईलाइट मार्कर या फिर कोई एक ऐसा डिफरेंट पेन ले लो जिससे कि आप उसको हाईलाइट कर सको जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट में क्या है, सबसे पहले आता है रूट. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, इस चैप्टर में मेनली हम रूट, स्टेम, लीफ के बारे में पढ़ते हैं और बाद में हम फ्रूट्स और सीड के बारे में पढ़ते हैं, इनके मॉडिफिकेशंस के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में. तो पहला आता है रूट. देखो रूट में क्या है, रूट तीन टाइप की होती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट्स और एडवेंटिशियस रूट. तो इन तीनों के आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं बिकॉज एग्जाम्पल्स फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं नीट में. ठीक है, तो इन तीनों के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं. उसके बाद नेक्स्ट है रीजंस ऑफ रूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप बहुत लाइटली लेते हो पर जब आप लास्ट में देखते हो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स तब उसमें आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है. और इस क्वेश्चन को देखो कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ ये कुछ चार पांच नेम है. सबसे पहला है रूट कैप, देन रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, देन रीजन ऑफ एलोंगेशन, देन रीजन ऑफ मैचुरेशन एंड रूट हेयर. ये पूरा आपको दिया हुआ है. तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि पूछेंगे सीक्वेंस वाइज ये ठीक है या नहीं है या कौन सा ठीक है इसमें से. तो सबसे पहले अगर ध्यान रखना है आपको सबसे नीचे की साइड में रूट कैप है. रूट कैप के बाद उसमें रीज़न आएगा मेरिस्मेटिक एक्टिविटीज़ का. उसके बाद जब उसमें मेरिस्मेटिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी तो होगा वो एलोंगेट, और एलोंगेट होने के बाद वो होगा मैच्योर, और मैच्योरेशन के टाइम पर उसके सर पे बाल आ जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा जाता है. उसका रहता है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. तो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स में पूरा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. क्या करना है आपको, लीफ, रूट और स्टेम, इन तीनों के मॉडिफिकेशंस, उनके एग्जांपल्स अच्छे से रखने हैं बिकॉज ये बहुत पूछे जाते हैं नीट में भी, अदरवाइज एम्स, जिपमन, इन सब में भी सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. उसके बाद न्यूमाटोफोर्स. न्यूमाटोफोर्स क्या होते हैं, ये एक टाइप की कुछ रूट्स होती हैं जो खुद को मॉडिफाइड कर लेती हैं और हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में. ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जांपल है राइजोफोरा. तो राइजोफोरा जो प्लांट है उसमें न्यूमाटोफोर्स पाए जाते हैं. ठीक है, और न्यूमाटोफोर्स क्या होते हैं, जो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन लाने में. ठीक है, रेस्पिरेशन में. उसके बाद आता है नेक्स्ट द स्टेम. स्टेम में मैं आपको सिंपल सी बता दूँ, इसमें नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो अगर आप कोई प्लांट देखोगे, प्लांट में सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होता है, रूट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि अंडरग्राउंड होती हैं. उसके बाद आती है स्टेम जो कि हमें दिखता है. तो स्टेम में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स और इंटरनोड. कभी आप स्टेम को अगर ऑब्जर्व करोगे तो उसमें कुछ थोड़े पॉइंट छोड़ छोड़ के नोड और आपको इंटरनोड्स मिलेंगी. उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जैसे कि आप देख रहे हो टेंड्रिल्स है और थ्रॉन्स है, इन सब बहुत पूछे जाते हैं. और जैसे कि सिट्रस है, इन सब के बारे में पूछा जाता है. और सबसे लास्ट में आप देखो तो लास्ट की दो लाइनें जो हैं वो भी बहुत पूछी जाती हैं. इसमें ये दिया हुआ है कि सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम. इसमें क्या होता है, स्टेम जो होता है जैसे कि ओपेंशिया का स्टेम जो है वो फ्लैट हो जाता है. ठीक है, और जो फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जाता है यूफोर्बिया का. वैसे आप जानते हो स्टेम नॉर्मल स्टेम होता है पर जो ओपेंशिया है उसका कैसा हो जाता है, उसका फ्लैट हो जाता है. तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन बता रही हूँ एनसीईआरटी की कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि सब कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो पूछे जाते हैं. उसके बाद अगर आप देखो तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, वही वाला पैरा चल रहा है, वही हेडिंग है आपकी मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. तो आपको ये अच्छे से याद करना है. और अगर आपको ये याद ना हो तो गाइस वेट फॉर सम डेज, उसके बाद मैं आपके लिए नए तरीके से वीडियोस लाने वाली हूँ ऑन द वाइट बोर्ड. उसमें आपको सबको अच्छे से समझा दूंगी कि क्या क्या चीज़ें, अच्छे से एग्जांपल्स वगैरह लेके. बिकॉज मैंने पूछा था सबसे अपने कम्युनिटी टैब में कि आप लोग को किस तरीके की वीडियो चाहिए, तो सब ने यही कहा कि मैम अगर आप वाइट बोर्ड पर पढ़ाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा. तो वही उसी चीज़ को हम जो है आगे करेंगे. और अब मैं वाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाई करूँगी तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा, पर उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. फिर आता है लीफ. तो लीफ में क्या है, लीफ में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है,
ये सब एक सुपरफिशियल बेस पर आप देख लीजिए। उसके बाद वेनेशन, वेनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसके बारे में। तो वेनेशन जो है वो दो टाइप का है, रेटिकुलेट और पैरलर, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ भी बहुत पूछे जाते हैं। एक सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। उसके बाद कंपाउंड जो है वो दो टाइप की होती है, पिनेटली पाल्मेटली, ठीक है। तो पिनेटली होती है इस टाइप की, ये आप देख सकते हो जैसे नीम में होते हैं, और ये पाल्मेट्री मतलब पाम जो है जैसे फैली हुई है वैसे आप देख सकते हो, पाल्मेट्री। उसके बाद फिलोटैक्सी के बारे में पूछा जाता है। फिलोटैक्सी पे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फिलोटैक्सी जो है वो तीन टाइप की होती है, एक होती है अल्टरनेट, एक होती है अपोजिट, और एक होती है होल्ड। तो अल्टरनेट में आप देख सकते हो ये पहली वाली अल्टरनेट, एक दूसरे की अल्टरनेट है, एक प्लांट ऐसे है तो एक प्लांट उसके अल्टर में है, ये आपको दिख रहा होगा इसमें। उसके बाद दूसरी आती है अपोजिट, तो ये तो जो है दोनों पत्तियाँ एक दूसरे के अपोजिट हैं। और उसके बाद होल्ड, तो वो एक दो या दो से लीफ जो है, ज़्यादा लीफ एक ही नोड से अराइज हो रही है। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें स्पाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो बस नॉर्मली ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्फ्लोरेसेंस आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप का होता है, एक रेसमोस और एक सायमोस। इसके थ्रू क्या होगा, ये सारी वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको एक चैप्टर का समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि इन सारी वीडियोज़ को आप पूरा पूरा देखो, और हर एक चैप्टर की वीडियो को देखो, और अपनी एनसीईआरटी की बुक में जो है वो मार्क भी करते रहो। और उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है इस टाइप की, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बिकॉज आप लोग लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियोस बनाने का। और अगर आप चैनल पे नए हो, आप ये पहली वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं जो अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या एम्स का भी दे रहे हो, या जिपमर का दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। उसके बाद है द फ्लावर। तो फ्लावर में इंपॉर्टेंट है जो उसकी सिमेट्री वगैरह दी हुई है, ये वाला पैरा, इन सिमेट्री से लेकर ये ई ब्रैकेट तक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी कुछ समझा नहीं रही हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ठीक है। और ये पूरा यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, पूरा इन सिमेट्री से लेकर आप जो है सनफ्लावर तक लगा लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। उन सबको बहुत अच्छे से मैंने एक वीडियो पहले की बनाई हुई है, आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे तो उसमें मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ाती थी, तो उस नोट्स में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, विथ ट्रिक्स मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। पेरीगाइनस की जैसे ट्रिक मैंने बनाई हुई थी, या हाइपोगाइनस की, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज नॉट सच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एस्टिवेशन, एस्टिवेशन पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और स्पेशली इसमें ब्रेकिएट ट्विस्टेड के बारे में सब पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सब पे वीडियोस बनी हुई है। तो गाइज अगर आप अभी समझना भी चाहते हो तो आप मेरी नोट्स वाली वीडियो देख लो, वरना जल्दी ही वाइट बोर्ड वाली वीडियोज़ आने वाली हैं। उसके बाद गाइनोशियम एंड्रूशियम में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि सिनकार्पस और आपोकार्पस क्या होता है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपोकार्पस क्या होता है कि अगर कार्पस जो हैं वो एक दूसरे से फ्री हैं, मतलब एक सारी फ्री कार्पल्स हैं, तो उसको आपोकार्पस बोलते हैं, और अगर वो सारी जो हैं वो एक दूसरे में फ्यूज्ड हैं तो उसको हम सिनकार्पस बोलते हैं। उसके बाद प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको यहाँ पांच टाइप का दिख रहा होगा। पहला है मार्जिनल, दूसरा है एक्सियल, तीसरा है पेराइटल, चौथा है फ्री सेंट्रल, और पांचवा है बेसल, ठीक है। तो इन सब के एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं। ये चैप्टर लंबा है और आपको अच्छे समझना भी होगा। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह में कुछ खास नहीं है, इसको जब आप सुपरफिशियल आपका टीचर आपको पढ़ाएगा तभी आपको समझ में आएगा, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको कहाँ कहाँ स्पेशली ध्यान देना है जो आपका टीचर आपको पढ़ा रहा हो, क्योंकि क्या होता है हमें पता ही नहीं होता है कि टीचर हमें इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा है और हम उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ये डायग्राम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एंडोस्पर्म होता है, कोलेप्टाइल, प्लम्यूल, ये सब जो है लेवलिंग करने के लिए आ जाता है, कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दे देंगे, पूरा डायग्राम दे देंगे, उसको आपको लेवल करना होगा। तो इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। उसके बाद जिस चीज़ के लिए आप बहुत परेशान होते हो, इसमें से मुश्किल से एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, या एक क्वेश्चन भी कभी कभी नहीं आता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इस पर इतना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। और इसमें अगर पूछ भी लेते हैं आपसे, तो इसमें पूछेंगे फ्लोरल फॉर्मूला, जो कि चार पांच हैं, और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे अगर उनको बार बार लिख लिख के याद करोगे। तो
ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आप लोग लाइक करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर कीजिए जिससे कि ये सारे लोग ये वीडियोज़ देख सकें।